पहले मैं आप लोगों से कुछ बात बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट के लिए जो आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को दिया, लाइक किया उसे, ठीक ना। क्योंकि मैंने जब चैनल शुरू करा था तो पता नहीं था कि मेरे वीडियोज़ को बच्चे लाइक करेंगे कि नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उसे वो उन वीडियोज़ को इंजॉय करेंगे कि नहीं, लेकिन आप इंजॉय करते हैं और आपके जो कमेंट्स होते हैं रियली बहुत ही अमेजिंग कमेंट्स होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो कि सर हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ईच एंड एवरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को। सो बहुत ही अच्छा फील होता है। सो इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया। और आप लोग जो भी हैं बस ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, एंड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो ठीक ना, उन प्रॉब्लम्स को ही मेरे साथ शेयर करते रहिए कि जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड हो या अदर भी थोड़े मोड़े प्रॉब्लम हो उसे मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि जो नोट्स हैं मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे जरूर देखें और वीडियोज़ को शेयर करते हैं आप, लाइक भी करते हैं और हमेशा करते रहें। सो चलते हैं अपने आज के नए वीडियो, एंड आज के वीडियो का जो बिगेस्ट अनाउंसमेंट है वो ये है कि मेरा एमएससी का एग्जाम चल रहा था, इसीलिए मैं कोई वीडियो भी लगभग 2 हफ्ते से नहीं अपलोड कर रहा था इस चैनल पे। लेकिन मैं पूरा का पूरा फ्री हो चुका हूँ, और पहले मैं यूट्यूब को एज अ पार्ट टाइम करता था, लेकिन मैं फुल टाइम करूँगा। अब मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूँगा, ठीक ना, उसके बीच में कोई गैप नहीं आएगा, ठीक। सो आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट आज से लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, ठीक ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि ज़्यादा कंपिटेटिव एग्जाम में और ज़्यादा आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक ना। मेरी कोशिश यही रही है, उसके साथ साथ बहुत सारे मैंने टिप्स भी आपको दिए हैं, ठीक ना, तो उसे भी करो। और बात करें तो 12th वाले बच्चों के लिए बहुत सारे कंटेंट हैं और साथ में बीएससी वाले बच्चों के लिए। अब जो कंटेंट रह गए हैं, जो भी सिलेबस रह गए हैं जिसे हमने अभी तक अपलोड नहीं किया है, जिसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैंने ना पढ़ाया है, ठीक ना, तो उस चीज़ को आने वाले समय में पूरा का पूरा मैनेज किया जाएगा, पूरा का पूरा जो कंटेंट है बचा हुआ जो सिलेबस है उसको अपलोड किया जाएगा। उसके साथ ही साथ कुछ इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए जो एक क्लास 10th का बहुत ज़्यादा मतलब जो अधिक हार्ड चैप्टर होते हैं, ठीक ना, क्लास 10th के, उसे मैंने अपलोड करने की कोशिश की है, सो वो भी जाके देखिएगा। और आज का दूसरा सबसे बिगेस्ट अनाउंसमेंट ये है कि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई करो, और इस यूट्यूब चैनल पे कम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों का तैयारी हो रहा है, ठीक ना। और आपको अगर मैथ का क ख तक नहीं पता है सो मैं एकदम बोलूँगा कि आप बेझिझक इस चैनल पे जाकर के विजिट करो, आपको एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का आपको मैथ पढ़ाया जाएगा उस पे, और सॉलिड कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप 10th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना ही है। सो मैं चाहता हूँ कि अभी से ही आप सीखो कि मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम इजिएस्ट से इजिएस्ट कैसा क्वेश्चन बन सकता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, और एक हाई से हाई लेवल तक का किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, वो आपको इस चैनल में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। सो आप जाकर के विजिट करो उस चैनल को। उस चैनल का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, सो जा करके विजिट करो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल। सो आज की बस थोड़ा सा रुक जाओ भाई। एक और बात इसमें कि मैं पहले आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करता था, और इसी में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मतलब ऐड नहीं, डिफरेंट तरीका का पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, कि एक डिजिटल टैबलेट्स आते हैं, ठीक ना, उस पर मैं क्या करूँगा आपको कुछ नया चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। वो डिजिटल टैबलेट किस टाइप के दिखते हैं, सो इस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, नए नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और बोर्ड पर भी, व्हाइट बोर्ड पर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश। सो आप लोग कमेंट भी करके बताना कि आप लोगों को डिजिटल जो टैबलेट वाली पढ़ाई अच्छी लग रही है कि बोर्ड वाली, ठीक ना, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सिलेबस एक नए टॉपिक के साथ, ठीक ना, और सिलेबस को तो खत्म ही करना है, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार।